नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। UGC नेट की परीक्षा स्थगित, NTA ने जारी किया नोटिस। परीक्षाओं पर कोरोना महामारी का संकट बरकरार है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, NTA ने UGC नेट की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। आधिकारिक वेबसाइट NTA.ac.in पर इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को UGC नेट की परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि दिसंबर 2020 साइकिल के लिए UGC नेट की परीक्षा 2 मई से लेकर 17 मई 2021 तक कंप्यूटर मोड पर होनी थी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति और अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे एक बार फिर स्थगित किया जा रहा है। NTA ने कहा है कि परीक्षा की तारीख से 15 दिन पहले अभ्यर्थियों को नए एग्जाम शेड्यूल की जानकारी दे दी जाएगी। इस बीच अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे NTA और UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें। गौरतलब हो कि देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नीट, PG और JEE मेन परीक्षा अप्रैल सेशन को स्थगित कर दिया है। अब बिहार में भी शुरू होगी संपत्ति स्वामित्व योजना, 24 अप्रैल को PM मोदी करेंगे शुभारंभ। बिहार के लिए अच्छी खबर है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब बिहार में भी संपत्ति स्वामित्व योजना की शुरुआत होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 अप्रैल को इस योजना को लॉन्चिंग करेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे लॉन्च किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पंचायती राज मंत्री, भूमि एवं राजस्व मंत्री और संबंधित आला अधिकारी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। बताते चले कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूमि का सर्वे और मैपिंग का काम किया जाएगा, जिसके बाद लोगों को उनकी जमीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनके भूमि संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। इस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से बैंकों में लोन की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध हो सकेगी। उनके पास अपनी संपत्ति का एक रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहेगा। श्रम संसाधन विभाग ने निजी ITI में पढ़ाई करने वाले सभी छात्र छात्राओं के बायोमेट्रिक अटेंडेंस को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया है, जिसके बाद राज्य के निजी ITI के छात्र बिना क्लास किए परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। विभाग के मुताबिक निजी ITI में दूसरे राज्यों से छात्र छात्राओं का नामांकन लिया जा रहा है, लेकिन वह क्लास नहीं कर रहे हैं। इसका कारण 80% बायोमेट्रिक अटेंडेंस का अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि बिना क्लास किए कोई भी छात्र परीक्षा में नहीं बैठे। जून में विभागीय समीक्षा होगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि किस ITI में कितने छात्र हैं, कितनों ने नियमित क्लास किया है और उनका अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम में मिलान होगा। उसके बाद उस छात्र को परीक्षा टिकट दिया जाएगा। बिहार में सरकारी जमीन की फर्जी जमाबंदी की होगी जांच, 2 माह के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश। कोसी नदी की जमाबंदी स्थानीय कुछ लोगों द्वारा अपने नाम से कराने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इस मामले के साथ साथ सरकारी जमीन की जमाबंदी के सारे मामले की जांच कराने के निर्णय भी लिया गया है। 2 माह के भीतर सभी मामले की जांच कराते हुए रिपोर्ट सौंपने का निर्देश बिहार के अंचलाधिकारी को दिया गया है, ताकि जमाबंदी रद्द की जा सके। सरकारी जमीन की जमाबंदी नियमतः नहीं कराई जा सकती है, बावजूद इसके अगर कोई इसे फर्जी तरीके से करा लेता है तो उस पर किसी तरह का समाज में विरोध नहीं होता है, चूंकि इससे किसी की रैयती जमीन का इससे कोई वास्ता नहीं होता है। इस वजह से ऐसे मामलों का खुलासा जांच के बाद ही संभव हो पाता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व टूरिज्म सेवा को किया गया बंद। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों की मौत भी हो रही है। कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए सरकार ने बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाया है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व टूरिज्म सेवा को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। इको टूरिज्म केंद्रों को 15 मई तक बंद कर दिया गया है। वहीं पहले से हुई टिकट बुकिंग को भी रद्द कर दिया गया है। यूं कहें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। तेज रफ्तार से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण पटना हाईकोर्ट में फिलहाल फिजिकल सुनवाई नहीं होगी। पटना हाईकोर्ट में अब 30 अप्रैल तक वर्चुअल सुनवाई चलेगी। हाईकोर्ट की तरफ से जारी नए नोटिस में 30 अप्रैल तक वर्चुअल कोर्ट चलाने का आदेश दिया गया है। इससे पहले 6 अप्रैल से 17 अप्रैल तक
वर्चुअल कोर्ट का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नए नोटिस में इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। बीते साल कोरोना संक्रमण फैलने के बाद कोर्ट वर्चुअल मोड में चला गया था। इस साल 4 जनवरी को पटना हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन एक बार फिर से दूसरी लहर के कारण वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत कर दी गई है। वर्चुअल कोर्ट के दौरान पटना हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उधर हाईकोर्ट में वर्चुअल कोर्ट चलाए जाने को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने कहा है कि वर्चुअल कोर्ट कोई अस्थायी समाधान नहीं है, यह टेम्पररी अरेंजमेंट हो सकता है। उनका कहना है कि अधिक सुरक्षित उपाय के साथ फिजिकल कोर्ट में ही मुकदमों की सुनवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि वर्चुअल कोर्ट का विरोध वकीलों ने किया था। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल पिछले दिनों संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद फिजिकल कोर्ट बंद कर दिया गया था। राजधानी पटना में तेज कोरोना संक्रमण ने ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा दी है। आंकड़ों के मुताबिक पटना में पहले से ऑक्सीजन की डिमांड 7 गुना बढ़ गई है। यही वजह है कि पटना में न केवल कोरोना के मरीज बल्कि दूसरे रोगियों को भी ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी मरीजों की जान पर भारी पड़ने लगी है। पटना के ज्यादातर बड़े सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है और इस वजह से वहां दूसरे रोगी जाने से परहेज कर रहे हैं। राजधानी के छोटे नर्सिंग होम अन्य रोगियों के लिए इस वक्त वरदान साबित हो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से इन प्राइवेट छोटे नर्सिंग होम को जूझना पड़ रहा है। पटना के कई प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने मरीजों को डिस्चार्ज या रेफर करना पड़ रहा है। पटना के सगुना मोड़ स्थित एक निजी नर्सिंग होम में कई मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण परेशानी झेलनी पड़ी। मुजफ्फरपुर के नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की मीटिंग सोमवार को मेयर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में हुई। स्वास्थ्य कारणों से उप मेयर मर्दन शुक्ला वर्चुअल तरीके से मीटिंग में जुड़े। मीटिंग के दौरान एक दर्जन एजेंडे पर चर्चा हुई, इसके बाद इसे मंजूरी दी गई। गर्मी बढ़ने के साथ शहरी क्षेत्र में गहराए पेयजल संकट को देखते हुए 30 अप्रैल से पहले शेष बचे 6 जलमीनार को चालू करने का डेडलाइन तय की गई है। 10 में से 4 जलमीनार एक सप्ताह पहले चालू हो चुका है। मेयर ने मरम्मत कार्य में लगी एजेंसी को हर हाल में तय अवधि के बीच वाटर टावर को चालू कर निगम को हैंडओवर करने को कहा है। साथ ही जितने भी खराब चापाकल हैं पार्षदों के साथ तालमेल स्थापित कर अविलंब मरम्मत कराने का निर्देश दिया है। साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से 7 नए बॉबकट मशीन की खरीदारी होगी। नौकरी के लिए निकली बंफर बहाली, अभी करें अप्लाई, 60,000 से 2,00,000 तक मिलेगा वेतन। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए MCL एक खुशखबरी लेकर आई है। चिकित्सा में रुचि रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL में सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट और सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए बंपर बहाली निकाली गई है। नौकरी पाने वाले युवाओं को 60,000 से 2,00,000 तक वेतन दिया जाएगा। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL ने 70 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट, सीनियर मेडिकल ऑफिसर और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को योग्यता और पद के अनुसार 60,000 से 2,00,000 तक के वेतन प्रतिमाह मिल सकते हैं। आपको बता दें कि MCL यानी कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की एक उपकंपनी है जो भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन में आती है। यहाँ सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट के 40, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 28 और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल के 2 पदों पर बहाली निकाली गई है। आपको बता दें कि उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को दिए हुए पते पर ओरिजिनल दस्तावेजों के साथ पहुंचना है। यदि किसी उम्मीदवारों के पास योग्यता के अनुसार दस्तावेज नहीं है तो उन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीदवार को पहले एक आवेदन डाक पते पर भी भेजना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप MCL के आधिकारिक वेबसाइट www.mahanadikol.in पर या www.kolindia.in के करियर सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। बिहार में शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया में अब बड़ा बदलाव होने वाला है। नियोजन में आने वाली तमाम तरह की लापरवाही की शिकायतें अब दूर करने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग इस ओर कई महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। शिक्षा विभाग की इस तैयारी को असली जामा पहनाते ही शिक्षक नियुक्ति में मनमानी करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी। विभाग अब बड़ी निगरानी के बीच शिक्षकों को नियुक्त करने की तैयारी कर रहा है। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान मनमानी की शिकायतें आम है। कई ऐसे शिकायत आम बन चुके हैं जिनमें ये आरोप लगते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति में मनमानी और गड़बड़झाला होता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा विभाग अब इन नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। नियोजन की पूरी प्रक्रिया कड़ी निगरानी में की जाने की तैयारी की जा रही है।
केवल आवेदन ही नहीं बल्कि मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन ही तैयार किया जाएगा। बिहार में नौकरी की चाह रखने वालों के लिए अच्छा मौका, बीपीएससी में निकली बम्पर बहाली। बिहार में जो लोग सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं उनके लिए यह शानदार मौका है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए अफसर बनने का ये सुनहरा अवसर है। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पदों को भरने के लिए 17 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक आवेदन मांगा है। विभाग ने 138 खाली पदों के लिए वैकेंसी जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीपीएससी विभाग के आधिकारिक वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स में स्नातक या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से CA, CS या MBA की डिग्री हासिल किया हो वही उम्मीदवार इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में DLED की परीक्षा स्थगित, मैट्रिक और इंटर कंपार्टमेंटल की परीक्षाएं भी नहीं होंगी। बिहार में कोरोना महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इधर बोर्ड, यूनिवर्सिटी और प्रतियोगिता परीक्षाओं पर भी काफी असर पड़ा है। राज्य में नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने DLED की परीक्षा को फिर से स्थगित कर दिया है। इतना ही नहीं, मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल की परीक्षाओं को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। रविवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक 26 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक होने वाली DLED की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। साथ ही 29 अप्रैल से 10 मई तक होने वाले इंटर की कंपार्टमेंटल की परीक्षा और 5 मई से 8 मई तक होने वाली बिहार बोर्ड के मैट्रिक के कंपार्टमेंटल की परीक्षा को भी फिलहाल अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इन परीक्षाओं का आयोजन बाद में किया जाएगा। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।